नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इन दिनों हमारे यहाँ काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, एडेनियम के फ्लावर हैं और कई सारे हिबिस्कस जो है बहुत हेवी ब्लूमिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो गार्डन का नज़ारा तो कुछ बहुत ही हरा भरा है और बहुत ही खूबसूरत है इन दिनों। लेकिन फिर भी हम जैसा विंटर गार्डन में फ्लावरिंग होती है, वैसा गार्डन तो अभी नहीं ही होता है। और विंटर गार्डन में इतने सारे फ्लावर्स होते हैं लगाने को और कलर इतने वाइब्रेंट होते हैं कि हमारा गार्डन बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो अब हम विंटर गार्डन की तैयारी करने वाले हैं और इन दिनों हम गार्डन के सभी कामों में व्यस्त हैं दोस्तों। सभी लोग, जितने भी मेरे गार्डनर फ्रेंड हैं, सभी अपने विंटर गार्डन की तैयारी में व्यस्त हैं। तो इन दिनों विंटर गार्डन की तैयारी में क्या क्या ज़रूरी काम हमें कर लेने चाहिए ताकि विंटर गार्डन हमारा बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजा रहे, तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैं इस वीडियो में आई हूँ दोस्तों। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके मेरे टिप्स आपको काम आएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। कमेंट में लिखना ना भूलिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे टिप्स जो हैं कैसे लगे और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये सब भी मैं बताती जाऊँगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इन दिनों हमारे यहाँ 2-3 दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है और सभी जो मेरे गमले हैं पूरे गीले हुए हैं और जितने भी सूखे पत्ते या मिट्टी वगैरह है सभी गीली हो गई हैं। और ऐसे में कुछ गार्डन मैसी सा हो गया है और यही सब मैं आपको दिखला रही हूँ। तो गार्डन में अभी कुछ ऐसे ऐसे काम हैं जो हमें कर लेने चाहिए विंटर शुरू होने से पहले, यही सब इस वीडियो में होगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि सभी जानकारी आप गार्डनर फ्रेंड्स को भी मिल सके। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये जो मेरी वीडियो है काफ़ी यूज़फुल होगी, ये टिप्स काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये सब देखिए, मेरे गार्डन के कुछ क्लिपिंग हैं। देखिए कितनी गंदगी हो गई है, सूखे पत्ते जो हैं अभी बारिश के कारण पूरे गल से गए हैं और पूरे गार्डन में मेरा गंदगी भरा हुआ है। और मैं साफ़ करने ही जा रही थी ताकि मेरा गार्डन साफ़ सुथरा हो जाए, उसके बाद मैं विंटर की तैयारी करूँगी। लेकिन ऐसे में ही 2-3 दिन पहले से बारिश शुरू हो गई है दोस्तों और पूरा मैसी हो गया है सारा गार्डन। सारे गमले के नीचे काफ़ी मिट्टी हो गई है, सूखे पत्ते जो हैं गल गए हैं। तो ये सब कुछ आप ध्यान रखें, जब बरसात के बाद ये सब रेसिड्यू छोड़ ही देते हैं हमारे गार्डन। नित नए पीले पत्ते हो रहे होते हैं, सूख रहे होते हैं और हमारे गार्डन में इधर उधर फैल रहे होते हैं। अगर सूखे पत्ते को आप नहीं हटा पाए तो अगर बारिश आ जाएगी तो ऐसे ही देखने को मिलेगा जैसा मेरा गार्डन हुआ पड़ा है अभी। तो सूखे पत्तों को हटाकर आप किसी बोरी में भर लें, आने वाले दिनों में पत्तियों की खाद आपके लिए तैयार हो जाएगी तो और गार्डन भी साफ़ सुथरा दिखेगा दोस्तों। लेकिन बारिश आ जाने के बाद तो और भी सफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि पत्ते जो है सड़ने लगते हैं और बैक्टीरिया और वायरस का पूरा इंतजाम कर देते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखें। सबसे पहला टिप्स है गार्डन की सफाई, पूरे डीप क्लीनिंग आप इस समय ज़रूरी होती है, क्योंकि बारिश जब गमले के ऊपर पड़ती है तो मिट्टी निकल के बाहर आ जाती है और कई जगह मिट्टी गमले के नीचे जमी रहती है। तो पूरी डीप क्लीनिंग अगर हम नहीं करेंगे तो गार्डन और भी धीरे धीरे गंदा होता चला जाएगा। तो इन दिनों मेरा गार्डन ऐसा ही गंदा हुआ पड़ा है और हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। और ये देखिए, हमारा गार्डन जो है इतना ऊंचा हो गया है, सारे जो पौधे हैं जो परमानेंट प्लांट हैं उसके जो फोलियज हैं काफ़ी लंबे से हो गए हैं, क्योंकि बरसात का पानी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इन सभी के लिए। तो अगर ब्रांचेस काफ़ी लेंदी हो गई हो, काफ़ी लंबी दिख रही हो और उसका कोई काम नहीं हो, फ्लावरिंग नहीं हो रही हो, तो उसको प्रून भी कर दें। इन दिनों प्रूनिंग करना बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। ये देखिए मेरा हिबिस्कस कितना लंबा हो गया है, मेरे हाइट का हो गया है, 5 फीट से ऊपर हो गया है। तो ये जो है हमारा हिबिस्कस बहुत पुराना है और काफ़ी बड़े गमले में लगा भी हुआ है।
तो ऐसे लेंदी ब्रांचेज जो आपको नहीं रखने उसकी प्रूनिंग करें। ये देखिए, ये मेरा बैगन का बकेट है दोस्तों। बैगन के पौधे मैं अक्सर ही दिखाया करती हूँ, उसको भी मैंने प्रून कर दिया है क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गए थे और बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे थे। पौधों को अच्छी शेप देने के लिए भी प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है दोस्तों। और ये देखिए, इसके बकेट में ने किनारा छोड़ दिया है, तो बरसात ख़त्म होने के बाद अगर आपको ऐसा नज़ारा दिखे तो आप ऊपर के सतह में गुड़ाई अवश्य कर लें। जितने भी बीट्स हैं उसको हटा दें, क्योंकि जब बरसात आती है तो इतने सारे खरपतवार हमारे गार्डन में उग आते हैं, बिना बुलाए मेहमान होते हैं दोस्तों, और इतना फालतू का कचरा फैलाते हैं कि पूछिए मत। ये देखिए, मैंने सारे बीट्स निकाल कर यहाँ पर छोड़ रखा था और बारिश आई तो सभी को भिगा कर रख दी है और इस तरह से गंदगी फैला दिया है बारिश में। तो ऐसे जितने भी बीट्स आप कचरा जो है, सूखे पत्ते हों या गीले पत्ते हों, सभी को आप एक बोरी में भर के रख लें। आने वाले समय में एक अच्छा खाद आपको मिलेगा सूखी पत्तियों के खाद के रूप में। और ये देखिए, मैंने कुछ लीफी वेजिटेबल्स को उगाया है तो उसके भी रिजल्ट अब निकलने लगे हैं, ये देखिए। और जितने भी खाली जो बकेट हैं सब्जियों वाले, उसको कई बार गुड़ाई करके आप धूप दिखा दें उसकी मिट्टी को। मैंने पहले इनको पूरी अच्छे से कई बार गुड़ाई करके धूप दिखा दिया है, करीब करीब 15 दिनों तक ये धूप में ही थे इसी तरह। और तब मैंने इसमें जो लीफी वेजिटेबल साग वगैरह लगाया है, पालक लगाया है, लाल चलाई लगाई है। और अगला जो आप काम आपको करना है वो ये है, जो गर्मियों के पौधे जो अब खिल के जा चुके हैं उनके गमलों को खाली करना। तो जितने भी बकेट हमने भर भर के लगाए थे गर्मियों के पौधे, ये देखें 9 o'clock का बकेट है मेरा, कई सारे बकेट में लगा हुआ है। तो इसकी जो कटिंग है वो आप संभाल के रख लें, कोई एक गमला इसके लिए छोड़ दें, बाकी सबको आप उलट कर हटा दें, सारे पौधों को हटा दें। ये देखिए, ये इस गमले का नज़ारा कुछ ऐसा है, काई जम गई है बरसात के कारण। तो ऐसे ऐसे गमले अगर आपको दिखें तो इनकी गुड़ाई कर दें, क्योंकि काई जम जाने से ऊपर का लेयर जो है पूरा चिकना हो जाता है और अगर हम वाटरिंग करेंगे तो नीचे के लेयर में पानी नहीं जा पाएगा। तो इसलिए इसकी गुड़ाई ज़रूर हल्के हल्के हाथों से कर दें, ज़्यादा डीप गुड़ाई नहीं करें दोस्तों, जड़ों के कटने का संभावना रहता है। तो ये काम आप ज़रूर कर लें और जड़ों को इससे हवा भी मिलेगी और ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो ये काम आप ज़रूर कर लें। उसी तरह सभी गमलों में आप देख लें, अगर वैसी स्थिति है तो आप सभी में गुड़ाई कर दें। बरसात के बाद ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। और जितने गमलों को हम खाली करेंगे उनको भी हम धूप दिखा दें और सफाई कर दें, पूरी अच्छे से साफ़ कर दें, ताकि इन पहले से जो अगर फंगस वगैरह हो तो वो भी ख़त्म हो जाए इनमें से। ये देखिए, मैंने कई सारे गमलों को खाली करके रखा विंटर गार्डन के लिए, और कुछ में मैंने क्रिसैंथेमम के पौधे लगा लिए हैं। क्रिसैंथेमम के पौधे पहले से ही लगाना पड़ता है दोस्तों, सितंबर के शुरुआत से ही, इसलिए मैंने लगाए हैं। और ये देखिए, मेरे जी बहुत सारे बड़े बड़े जो पौधे हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि सारे गिरे पड़े हैं। तो इनको इतनी लंबी अगर ब्रांचेज हो गई हों, फ्लावरिंग बंद कर दिया हो, तब इनको प्रून भी कर दें। अभी मैं इसको रखूँगी, ये अक्टूबर के लास्ट में मैं इसको प्रून करूँगी सभी को, क्योंकि उस समय तक इनमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है दोस्तों। और प्रून करने से थोड़ा अच्छा हो जाता है, शेप अच्छा हो जाता है हमारे पौधों का। अगला जो काम है वो है मिट्टी की को एनर्गाइज करना, या मिट्टी को धूप दिखाना, फिर से इसको हम इतनी ताकत इसमें भर दें कि आने वाले समय में हमारा गार्डन इन्हीं मिट्टी से ही काफ़ी खूबसूरत बन जाए। ये देखिए, मैंने काफ़ी दिनों से ये मिट्टी निकाल कर रखा है और इसमें गोबर की खाद मिला कर रखा है दोस्तों, ताकि इन गोबर की खाद की जो गर्मी है वो भी निकल जाए, इससे पौधों को नुकसान ना हो और मिट्टी जब भी हम गमले लगाएं तो उसके लिए तैयार मिले। और ये सब्जियों के बकेट हैं दोस्तों, इसमें से जितने भी खरपतवार हैं वो चुनकर हटा दें और इनको कई बार गुड़ाई करके धूप इनको भी दिखा दें। अगर आप पूरा तरह से उलट नहीं सकते हैं, पलट नहीं सकते हैं, इतनी भारी होते हैं ये ग्रो बैग, तो इनको कई बार गुड़ाई करके इनके बीट सब हटा दें और धूप दिखा दें इनको भी, क्योंकि इन दिनों की धूप भी बहुत अच्छी खासी तेज़ होती है और धीरे धीरे धूप सब मलिन होते जाते हैं दोस्तों विंटर में। तो इतनी अच्छी धूप फिर नहीं मिलेगी, अक्टूबर में जितनी अच्छी धूप मिलेगी आपको उतनी अच्छी धूप फिर नहीं मिलेगी, दिन पर दिन मलिन होता जाता है।
तो ये सब थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको अभी कर लेने चाहिए। सितंबर लास्ट होने को है दोस्तों, अक्टूबर शुरू होने वाला है और कुछ ही दिनों में सारे सीडलिंग्स हमें लगाने होंगे, तो ये सब महत्वपूर्ण काम आपको करने ज़रूरी है। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय 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 माय फ्रेंड, हैप्पी गार्डनिंग।